पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज के लिए फेस न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। पुरानी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में आयोजित की जाने वाली श्री रामलीला कमेटी के मंच पर चौथे दिन सीता स्वयंवर के दृश्य को बेहद मनमोहक अंदाज में पेश किया गया। आपसी सौहार्द के लिए पहचाने जाने वाली श्री रामलीला कमेटी पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय से रामलीला का मंचन कर रही है। इस लीला की एक विशेषता यह भी रही कि इस लीला का मंचन मुस्लिम बहुल्य इलाके के नजदीक किया जाता है, इसलिए यहां हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम व अन्य धर्मों के लोग भी शामिल होते हैं। इस वर्ष लीला के मंचन में काफी बड़े स्तर पर परिवर्तन किए गए हैं, जिससे यहां का वातावरण बेहद खूबसूरत हो गया है। इस वर्ष फिल्मी कलाकार भी लीला के मंचन में अभिनय कर रहे हैं। नया करती रहती है। हमने इस बार इस रामलीला में जैसे सेल्फी पॉइंट बनाए हैं, जैसे एक मंदिर भी बनाया है, आपने देखा होगा भव्य मंदिर है भगवान का, और हमने जो है सेल्फी पॉइंट मतलब बंगाली लाइटें, इतनी सारी चीज़ें नहीं करी हैं जिससे कि धीरे 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 हम चीज़ों को बदल पाएं। सर, कोरोना काल के बाद रामलीला जब शुरू हुई दोबारा, इसमें क्या क्या दिक्कत आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो देखो। कोरोना काल के बाद सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आई कि दोबारा से सारे सिस्टम को खड़ा करना पड़ा। एक्चुअली क्या है कि रामलीला का जितना सामान था वो 2 और 3 साल में सब खराब हो गया। एक तो सिस्टम को बनाना पड़ा दोबारा से, प्लस कुछ लोग हमारे चले गए, कुछ मतलब अलग अलग चीज़ें हुई, तो वो अलग अलग दिक्कतें नज़र आ रही हैं, लेकिन भगवान उसको ठीक कर रहा है और सिंपल अब मेरे को लगता है कि सिस्टम बैठ रहा है। रामलीला जो है भारतीय संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है, और आने वाले टाइम में देखा गया है कि सोशल मीडिया में काफ़ी लोग व्यस्त रहते हैं, तो अब रामलीला में जो बच्चे या बुजुर्ग जैसे कब कोई दर्शकों में कोई कमी आ रही। हमारी जो सोच रही है वो हमेशा ये रही है कि हम अपने कल्चर को युवा पीढ़ी को दिखाएं, और हम ये कोशिश करें कि युवा पीढ़ी, आप देखेंगे यहाँ पर वॉलंटियर, पहले जो पुराना कल्चर था वॉलंटियर वाला, हमने दोबारा से वॉलंटियर वाला सिस्टम लेके आ रहे हैं, क्योंकि बीच में हमने गार्ड लगाने शुरू कर दिए थे, तो हमने जो है अब दोबारा से वॉलंटियर ले आए हैं, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस कल्चर को दोबारा से समझें, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग अपने कल्चर से दूर जा रहे थे, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से हम अपने कल्चर की तरफ जाएं। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल? हमारी जो ये रामलीला है ये दिल्ली 6 में है। दिल्ली 6 में हिंदू और मुसलमान दोनों बहुतायत मात्रा में रहते हैं, तो हम यही कहेंगे कि हमारा जो ये रामलीला है, अब अगर आप देखेंगे इसमें हर जगह मुस्लिम भाई हमारे साथ खड़े हैं, और उनके साथ ही हमारा ये सिस्टम चल रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद अगर वो ना हो तो हमारा सिस्टम इतना मज़ेदार नहीं हो जितना उनके साथ है। देश की अखंडता और एकता का ये प्रतीक, 100% देश की अखंडता और उसका प्रतीक है। शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इतनी ऐतिहासिक जगह जहाँ बहादुर शाह जफर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आके एक लोगों के भाईचारे के लिए ये इतना अच्छा प्रोग्राम है, जहाँ मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं अभी जैसे पता चला मुझे, तो ऐसे प्रोग्राम हिंदुस्तान में हर जगह होना चाहिए, इतनी अच्छी बात है, और हमें आके यहाँ इतना अच्छा लग रहा है कि हम बहुत अच्छी जगह आए हैं। मैंने मेरी हेमामालिनी की एक सीरियल आई थी जय माता दी, उसमें मैंने राजा का रोल किया था, तो इसी तरह के कपड़े पहने हुए थे। मैंने मेरे दोस्तों को बताया ये कपड़े दिखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इंसान पहनता है ना तो कितनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो दिखता बहुत अच्छा है। हमारे हिंदुस्तान के जो किरदार है, जो हिंदुस्तान जिस नाम से है, ऐसे किरदार मैं ज़रूर करूँगा अगर अच्छा किरदार मिले तो। महाभारत के लिए मुझे अर्जुन के लिए बोल रहे थे, लेकिन उस वक्त मैं 100 पिक्चरें कर रहा था, मेरे पास वक्त नहीं था, तो मैंने महाभारत अर्जुन का रोल मैंने छोड़ा हुआ है। टार्जन है, मेरी वीराना है, आप कमांडो है, बहुत सारी पिक्चर है, लेकिन टार्जन में तो लोग मुझे टार्जन नाम से ही जानते हैं। आपको इंडियन टार्जन भी कहा जाता है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आज तक कोई दूसरा टार्जन मतलब उतना हिट हुआ नहीं। 2-2 साल एक एक थिएटर में पिक्चर चली मेरी, लोगों का प्यार इतना मिला और उसके लिए धन्यवाद। दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीला है, 222 साल पुरानी लीला है, और 11 दिन ये झांकियां हमारी जाती हैं और आती है 22 दिन, मतलब 22 बार झांकियों को आना जाना।
और ये जितने भी शरू बनते हैं जो ये रोल करते हैं सर, बहुत मेहनत है इनकी, इनकी प्रैक्टिस भी होती है। जो लीला के स्वरूप हैं वो अलग हैं, जो यहाँ के स्वरूप हैं वो अलग हैं। अब ये थक गए हैं इतना, अब आने के बाद ये कुछ आराम करेंगे, तीन तीन घंटे आना जाना लगा रहता है सर। तो ये सबसे पुरानी हमारी झांकी है। क्या संदेश देते हैं आप जी झांकियों से, क्या संदेश? झांकी हम सबसे पुरानी हमारी झांकी है, लाखों आदमी इसको देखता है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आप इसको देखें, लाखों आदमी रोड पे खड़ा रहता है सर, बैठा रहता है, देखता है, क्या एंजॉय करते हैं। मतलब भारतीय संस्कृति का एक ये स्वरूप है जो सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल 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 ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है सर। आपकी रामलीला में क्या नया है वो बता दीजिए सर। आए मैम, काफी कुछ नया, काफी कुछ नया। अभी देखिए कौन लोग हैं वो आप बता सकते हैं? अभी अभी आज की डेट में सीमा परियार आई हुई है, हेमंत बिरजे आ रहे हैं और VIP हमारे दो चार और आ रहे हैं हर रोज। आपके किरदार में है? नहीं नहीं वो नहीं है, किरदार में नहीं है, गेस्ट है। जी जी जी, कल परसों अली खान भी आए हुए थे, आज हेमंत बिरजे है, सीमा परियार है, तो बहुत चेंज है। अभी सेल्फी पॉइंट हमने बनाया, आप ये देखें यहाँ इतने लोग, अभी आप 10 मिनट के बाद देखना कितना भीड़ होगा यहाँ इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ लोग आते हैं, मस्त होते हैं, इंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है। क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों? बस मैं यही कहूँगा कि सर ज़्यादा से ज़्यादा आए देखें इसको लीला को, वैसे तो देखते हैं लाखों लोग हमारे रोज ही देखते हैं सर। अब मैं रात को 11 बजे इसको वापस लेके जब हम जाते हैं ना सर, आप यकीन मानिएगा लाखों लोग होते हैं सर रोड पे। और ये राम जी का हमारे हैं, ये राम जी का रथ चलाते हैं, 50-70 साल पुराना रथ है वो हमारा, हम हर साल उसको यूज करते हैं। राम जी का रथ खड़ा हुआ सामने, ये उसको चलाते हैं, ये उसके ड्राइवर हैं सर। सारथी, सॉरी सारथी सर, सॉरी सर, सारथी हैं ये। तो ये है सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा सर, जो भी आपका चैनल देखते हैं इस लीला को जरूर देखना है एक बार। दिल्ली से ही रहने वाला हूँ जी, चांदनी चौक का, और तकरीबन 30 साल बाद दोबारा ये मौका मिला है मुझे। पहले बनता था इस रामलीला में स्वरूप, मगर फिर 30 साल बाद दोबारा ये मौका मिला है। रावण का जो करेक्टर है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टर है रामायण के अंदर, जी जी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, इसको आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। कुछ उसमें कमियां थी तो कुछ अच्छाइयां भी थी, तो हम बेहतर यह है कि जो उसमें थोड़ी बहुत भी अच्छाइयाँ हैं उस पर ध्यान दें, उसमें कमियाँ क्या हैं उनको अगर गौर करेंगे तो इस तरीके से तो जीवन चलने का नहीं है। एज अ आर्टिस्ट आप रावण के जो रोल में कैरेक्टर में जाने में आपको कितना समय लगा, कितना कष्टों का सामना करना पड़ा, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? कष्टों का सामना तो सबसे पहले तो मेरे को कोरोना का ही करना पड़ गया जी, क्योंकि उसकी वजह से 3 साल लेट हो गया ये प्रोग्राम सारा का सारा। और दूसरी बात ये कि जब आदमी किसी करेक्टर में ढलता है, चाहे वो कोई भी करेक्टर हो, रावण का ही नहीं, चाहे राम का हो, चाहे सीता का हो, तो थोड़ा बहुत तो उसके हिसाब से आदमी को तैयारी करनी ही पड़ती है कि जभी जाकर के वो हो पाता। कब से कर रहे हैं? मैं बताया जैसे मैंने आपको, मैं लगभग 30 साल बाद दोबारा बना हूँ। अब 30 साल पहले बनता था मैं, मगर छोड़ दिया था उसके बाद। तो आप रावण के किरदार में ही रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, रावण पहली बार बना हूँ मैं, और उससे पहले मैं परशुराम का रोल करता था, और परशुराम से पहले भरत का भी रोल करा है मैंने इसी रामलीला में। देखिए जो मैं अगर जनता के बारे में कहूँ तो जनता के हिसाब से तो मुझे जो रिस्पांस आज मिला है रावण, हाँ वो उसका सबसे बड़ा श्रेय मैं इनको अमित को देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस रोल के लिए मेरे को चुना। सबसे बड़ा इसी बात का वो है, मेरे को हर रोल का अपना एक महत्व है और रावण का भी अपना महत्व है। रामलीला के अंदर अगर राम की जितनी जरूरत है उतनी जरूरत रावण की भी है, वरना उसके बिना रामलीला अधूरी है। भारतीय दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे रावण के, रावण उसमें दे अब कैरेक्टर में दीजिए? बस इतना ही कहना चाहता हूँ रावण के कैरेक्टर में आके नहीं, वो तो उतना तो खैर अभी मुश्किल है क्योंकि मैं अभी नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ आदमी को अपनी अच्छाइयों का ध्यान देना चाहिए, कोई भी काम ऐसा ना करे लाइफ के अंदर कि जो जीवन में आकर के आपको परेशानी का सामना करना पड़े, या जिसकी वजह से रावण की बुराइयां इंसान को नजर आई थी, ऐसा कोई काम कर नहीं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो एक बार रावण की तरह जरा दहाड़ मार दीजिए। जय श्री राम।